अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के साथ आज के इस वीडियो में बड़ी अपडेट शेयर करते चलें। नाज़रीन, इंग्लैंड को पाकिस्तान का दौरा मंसूख करना महंगा पड़ गया। जी हां नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अब इंग्लैंड के खुद के मुल्क से ही आवाज़ें उठने लगी हैं, अब इंग्लैंड को बड़ा झटका लगने वाला है। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान का टूर क्या T20 सीरीज के लिए करेगा, यानी मुकम्मल अपडेट के साथ आपको आगाह करते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। तो नाज़रीन, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करके बताना आपके ख्याल में क्या इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का T20 सीरीज के लिए अक्टूबर में टूर करना चाहिए या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। नाज़रीन, आपको याद रहे कि चंद दिनों पहले ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज का बहाना बनाया कि तमाम खिलाड़ी जहनी तवाजुन की वजह से और उन्होंने कोरोना SOPs की तमाम जो तैयारियां हैं उस पर अमल करने की बिना पर वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते और ज़हनी तवाज़ुन की बिना पर वो थकावट महसूस कर रहे हैं जिसके बिना पर वो पाकिस्तान का टूर नहीं कर सकते। नाज़रीन, इसी बिना पर आप सोशल मीडिया पर क्या इंग्लैंड के अपने खुद ही के मुल्क से भी आवाज़ें उठने लगी हैं क्योंकि उन्होंने ECB क्रिकेट बोर्ड को गद्दार कह डाला। जी हां नाज़रीन, आपको बता दें चलें कि इंग्लैंड के जो बोरिस जॉनसन सदर हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने हमसे कोई राय नहीं ली। अब जो इंग्लैंड की पूरी टीम है उन्होंने ने इस चीज को ठान लिया है कि अब वो एशिया में कोई भी क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कहने पर, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो भी करे जहां से भी खिलाड़ी लेकर आएगा खुद ही लेकर आएगा और हम वहां पर नहीं खेलने जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें वहां से मना किया था जिसकी बिना पर हम यहां नहीं खेलने आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।